बच्चों, मैं शिखा, लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। बच्चों, हमने 12th क्लास का डिटरमिनेंट की सीरीज हमने शुरू करी है, उसी को ही हम कर रहे हैं और आज ही आपका लास्ट सेशन रहेगा। इसके बाद आपका डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से रिलेटेड हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो आज जो है बच्चों, आज का जो सेशन रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ से एक जो 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन है ज़रूर आता है पेपरों में। ठीक है, तो आज हम इसी को करेंगे। लास्ट के जो सेशन मैंने लिया था, जो इससे पहला जो हमने कल पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम कंसिस्टेंसी जो है चेक करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप एक्स निकालोगे। मतलब मैंने लास्ट में जाके आपको पूरा एक रूल बताया था स्टेप बाय स्टेप। आज हम उसी को ही पढ़ेंगे, किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि कंसिस्टेंसी चेक करनी है ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपकी जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको हमने क्या बनाना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्लियर बात? और हमारे पास में, अगर आपको याद रहा होगा कि कंसिस्टेंट कब रहता था, जब आपकी मैट्रिक्स क्या रहती थी बच्चों, जब आपकी जो भी मैट्रिक्स रहती थी या ए डिटरमिनेंट जो रहता था, नॉट इज इक्वल टू जीरो रहता था। ठीक है, नॉन इज इक्वल टू जीरो मीन्स कि नॉन सिंगुलर रहता था। नॉन सिंगुलर होगा तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर बात? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब कि जो भी आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब? जब आपका डिटरमिनेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। तो सबसे पहले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसको हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म के अंदर? इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, हम ए को लिखेंगे कैसे? जो भी एक्स और वाई के कोफिशेंट होंगे वो ए मैट्रिक्स में आएंगे। कैसे? इस वाली लाइन का अगर हम देखें तो ए का जो एक्स का जो भी कोफिशेंट है क्या है, 2 है एंड 1 है। क्लियर? और नीचे देखेंगे तो -1 एंड 1 है, यानी क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इसके साथ में आएगा एक्स और नीचे आ जाएगा वाई कॉलम के अंदर, मीन्स कि 1 2 रो और 1 कॉलम। ठीक है, अब देखिए b है हमारे पास भी इज इक्वल टू b, वो रहेगा 5/4। हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मींस कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डिटरमिनेंट जो है, जो गिवन मैट्रिक्स a है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो करिए इसका डिटरमिनेंट निकालिए। a इज इक्वल टू, आप लिख लोगे साइड पे कि 2 -1 एंड 1 एंड 1 है। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट निकलेगा बच्चों, आपको पता होगा क्या निकलता है डिटरमिनेंट, 2, बीच में माइनस आता था, एंड +1 जो कि आया 3। 3 नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स कि मैट्रिक्स क्या है बच्चों, नॉन सिंगुलर है। मतलब कि आपका जो ये इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। और जब कंसिस्टेंट होगी तब क्या होगा, आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये मैं बार 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 आपको बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखिए 3-4 पॉइंट हैं और आपके बहुत से नंबर जो है बना देते हैं। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कई बार 2 नंबर में पूछा जा सकता है कंसिस्टेंटी का। और जो मैट्रिक्स मेथड से, उससे तो पक्का पता है कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनता ही बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही बताना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो जब आपका नॉन सिंगुलर आएगा इट मींस कि ये जो है आपका कंसिस्टेंट है। अब हम इसी के साथ जैसे दूसरा है, देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। पहले क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी निकालेंगे। निकाल लीजिए, ए के अंदर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा 3 आएगा 2 आएगा 6 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे आएगा एक्स वाई और ब्रैकेट यहां पे आएगा 5 एंड 8। क्लियर? अभी क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। निकालिए, डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 6 आएगा और -6 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास में क्या आ गया, ए इज डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के। मतलब क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है ना आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ में क्या है, ये ए इनवर्स तो इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अब क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। बात समझ में आ गई कि जब आपका कोई भी डिटरमिनेंट जब होगा, ए नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, पहले हम 0 पे बात करते, अगर इज इक्वल टू 0 होगा तो बच्चों वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा और सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब कि इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा कब, जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मतलब सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं, तो वो क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जब आपके पास में ए नॉट इनवर्स इज इक्वल टू जीरो रहेगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगी, और आपके पास में इसका यूनिक सॉल्यूशन रहता है। ये भी याद रखिएगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन रहता है, और क्या रहता है, ये इन्वर्टिबल होता है, ठीक है, इन्वर्टिबल होता है, और क्या रहेगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और क्या रहेगा, ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो बच्चों ये सिर्फ तीन चार बातें हम जो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसको अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से समझिए, आपके फ्री के नंबर हैं, बाकी कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है जितनी कि आपने पीछे पढ़ी, उतनी टफ नहीं है, मींस कि इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, थोड़ा ही है, आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आपके मैट्रिक्स मैथड पर, विच मैथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पेपर में बनता है। तो मैं पहले आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि आपने मैट्रिक्स मेथड के स्टेप क्या रखने हैं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपने उसको कन्वर्ट करना है ए एक्स इज इक्वल टू बी में, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इसको नंबर क्या ले लेना है, वन ले लेना है, ठीक है। अब स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में क्या चेक करना है, चेक इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। कैसे, आप डिटर्मिनेंट निकालो, ये डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि क्या है, आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट होगा, ठीक। ये आया स्टेप नंबर टू में, आप क्या चेक करोगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मीन्स कि कैसे, डिटर्मिनेंट निकाल के। उसके बाद आता है स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में आपने क्या निकालना है, अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड आउट क्या करना है आपने, इनवर्स को, ठीक है, फाइंड आउट ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करने का क्या रूल था, सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ने थे, को फैक्टर, फाइंड आउट को फैक्टर, ए के को फैक्टर निकालने थे, फिर एडजॉइंट ए निकालना था, वो कैसे निकलता था आपका, कैसे निकलता था, ट्रांसपोज करते थे आप, ट्रांसपोज करते थे किसका, को फैक्टर का, ट्रांसपोज कर देना आपने, जिस भी मैट्रिक्स के आपने कोफैक्टर निकाले उसका ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। फिर आपके पास में आता था ए इनवर्स, जो किसके इक्वल आता था, वन बाय ए आपका डिटर्मिनेंट एंड इन टू एड जॉइंट ए, ठीक है, ये आपके सब रूल हैं। लास्ट में जाके क्या करना है, स्टेप नंबर फोर में आपने क्या करना है, ए इनवर्स को पुट कर देना है, ए इनवर्स पुट इन नंबर वन, नंबर वन, ठीक है, ए इनवर्स में पुट कर देना है, एंड लास्ट में जाके आपने एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं, चलिए तो चलते हैं अब हम स्टेप नंबर वन पे। स्टेप नंबर वन पे बच्चों का है, कह रखा है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी रहता है, ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी रहता है। तो चलिए पहले ये वाला फॉर्म बना लेते हैं, इसको नंबर वन लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे, ए आएगा आपके पास में टू माइनस वन थ्री फोर, और यहाँ पे एक्स कितना है, एक्स है बच्चों एक्स एंड वाई, ठीक है, और बी आपके पास में कितना है, माइनस टू एंड थ्री, बना लिया। आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब फाइंड आउट करेंगे ए डिटर्मिनेंट, निकालिए ए डिटर्मिनेंट, निकलेगा आपके पास में चार दो आठ माइनस और प्लस तीन, माइनस माइनस, ठीक है ना, तीन, आठ और तीन कितने बन गए, ग्यारह, तो ग्यारह आएगा, जो कि आपका नॉट इज इक्वल टू जीरो है। इसके इसका क्या लिखोगे कि इट मींस ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट है, ठीक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट होने के बाद में हमने चलना है अपने ए इनवर्स को फाइंड आउट करने, क्या करना है स्टेप नंबर थ्री में, ए इनवर्स को फाइंड आउट, ए इनवर्स को अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। करिए फाइंड आउट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, किसके, मैट्रिक्स ए के, तो निकालिए को फैक्टर, को फैक्टर्स लिखने हैं हमने, ठीक है, किसके, ए वन वन का, फिर ए वन टू का, ए टू वन का, ए टू टू का, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, पता है ना आपको, माइनस वन की पावर टू, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर फोर, जो भी नंबर आएगा उसको ऐड करके पावर में हम लिखते थे, तो इसका आएगा बच्चों फोर, माइनस वन का आएगा थ्री माइनस थ्री, और उसके बाद थ्री का आएगा आपके पास में प्लस वन, एंड टू टू का आएगा यहाँ पे
टू, तो आपके पास में जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन के आई है वो बन के आई है 4 माइनस 3 एंड 1 एंड 2। आप क्या करोगे, आप एडजॉइंट ए निकालोगे। एडजॉइंट ए क्या रहता है बच्चों, ट्रांसपोज रहता है किसका, कोफैक्टर का। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, 4 1 माइनस 3 एंड 2। ठीक है, आप क्या निकालोगे, ए इनवर्स निकालोगे। निकाल लीजिए 1 बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना निकला, 11 निकला। और आपके पास में एडजॉइंट आया 4 1 माइनस 3 एंड 2। अब आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मींस कि ऐसे लिख सकते हो कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 बाय 11। ठीक है, 1 बाय 11 माइनस 3 बाय 11 एंड 2 बाय 11, ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करोगे स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तब हमें पता चलेगा कि क्या आंसर आता है। ठीक है, करिए इक्वेशन नंबर 1 पुट, ये करी थी हमने, हमने लिया था एक्स एंड वाई, ठीक है, और उसके बाद इक्वल में यहाँ पे हमने क्या लिया था आपका, इनवर्स निकाला था 4 बाय 11, 1 बाय 11 माइनस 3 बाय 11 एंड 2 बाय 11। ठीक है, और इनटू करेंगे हम किससे, माइनस 2 एंड 3 से। ठीक है, ये इस तरीके से ही सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई भी ढंग से करनी पड़ेगी और सब चीज़ें ढंग से ही करनी पड़ेंगी। तो बच्चों यहाँ तक हमारा आ गया है एक्स वाई 4 बाय 11, 1 बाय 11, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिसकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है वो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप इसके 11 को बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इनटू कर दिया था, तो आप इनटू मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। जब भी आंसर आएगा तो उसके साथ पे आप मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसके साथ में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 4 1 माइनस 3 एंड 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 एंड 3 से। करिए 1 बाय 11, 4 2 ज़ा माइनस 8 प्लस 3। ठीक है, उसके बाद प्लस 6 और यहाँ पे प्लस 6 ही आ रहा है ना, 2 3 6। हाँ जी, तो ये बन गया 1 बाय 11 माइनस 5 एंड 12। तो आपके पास जब आंसर बनेगा तो माइनस 5 बाय 11 एंड 12 बाय 11। ठीक है, तो ये इक्वल था किसके साथ बच्चों, x एंड y के साथ में। तो x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 5 बाय 11। x इज इक्वल टू आया माइनस 5 बाय 11 एंड y इज इक्वल टू 12 बाय 11। बात समझ में आई, देखिए आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बाई चांस सपोज करिए कि आप मल्टीप्लिकेशन में भूल गए हो कि मल्टीप्लाई कैसे करें, अगर आप इसको स्टेप बाई करते हो बच्चों, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि पहले यहीं पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, उसके बाद एक नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और एक नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और एक आधा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, तो एक नंबर आपका कटेगा। तो कोशिश करनी है कि जब भी आपका बड़ा क्वेश्चन या 5 या 6 नंबर का रहता है तो उसको स्टेप में करने की कोशिश करनी है और फिर देखिए कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चले आगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 2 का तो इजीली हम कर ही लेते हैं, लेकिन 3 वाले में क्या करेंगे। तो 3 वाले में भी वैसे ही सिंपल है, आपको कोफैक्टर्स निकालने, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, लंबा चलेगा काम, पर प्रोसीजर सारा यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 5 एंड यहाँ पे आएगा 2x माइनस y एंड प्लस 3z इज इक्वल टू 12। ठीक है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व दिस इक्वेशंस। ठीक है, करिए कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेप ले लेते हैं 1। स्टेप नंबर 1 में क्या लेंगे हम, ए एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर लेंगे बच्चों, बी के बराबर, और एक्स क्या रहेगा, ए इनवर्स इंटू बी, इसको हम क्या ले लेंगे, नंबर 1। चलिए लिखिए, तो एक्स ए आएगा हमारे पास में 1 3 2। ठीक है, माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1, उसके बाद 2 माइनस 5 एंड 3, और यहाँ पे आएगा एक्स वाई एंड जेड
इज इक्वल टू बी कितना आ जाएगा, बी था 7 माइनस 5 एंड 12। चलिए लिख लिया, आप क्या करेंगे स्टेप नंबर टू लेंगे। ले लीजिए स्टेप नंबर टू, क्या फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए कि आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो कि डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। देखिए डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे हम, 1, 3, 2, -1, 4, -1, 2, -5 एंड 3 इज इक्वल टू। पहले 1 का किसके साथ, 1 का करेंगे तो ये अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्या आएगा, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस और एक फिर से माइनस, ये आ गया। अब यहाँ पे पहले से माइनस में मैंने आपको सिखा रखा है बच्चों, ये आई थिंक बार बार मुझे सिखाने की अब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले एक सेशन जो में है डिटरमिनेंट आपको अच्छे से निकालना सिखाया, उसको प्लीज़ देखिए पहले, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गए, ये चला गया, यहाँ पे आएगा 9, अच्छा प्लस 10, उसके बाद आएगा प्लस 2, क्लियर, माइनस 3 और 4 2 -8, ठीक है। अब चेक करते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये आ जाएंगे 7 प्लस 19, फिर ये बन जाएगा -11 एंड -22, ठीक है -22। चेक करते हैं अब 7 और 19 हो गए हमारे पास में कितने, 26 है ना, 26 माइनस 22 इज इक्वल टू 4 एंड नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे कि 4 नॉट इज इक्वल टू 0, इसका क्या मीनिंग हुआ कि इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, बात होगी, बात खत्म। अब आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा। अब आते हैं हम आपके स्टेप नंबर 3 पे, क्या करना है, अब हमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। एक सेकेंड, यहाँ एक्सिस्ट करता है और यह है नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, आपका स्टेप नंबर 3 लेंगे, जिसमें हम क्या चेक करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर आएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a, ठीक लिखा ना मैंने, 2 3, हाँ जी, a31 a32 और a33, ठीक है। कोफैक्टर्स आपने सबसे पहले निकालने हैं, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, आगे की आपको सारी जो है प्रोसीजर पता है, आप बहुत अच्छे हो, आपको सब आता है, और मैंने शुरू में ही आपको पहले यही चीज़ें सिखाई हैं, ताकि आप जब मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन करो तो आपको कुछ भी डाउट ना रहे, ठीक है। a11 निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे चलेंगे और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 3 12, 12 के बाद में माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस 5, तो 12 माइनस 5 हो जाएंगे 7, और किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे, क्योंकि माइनस 1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस में आएगा। अब आते हैं माइनस 1 पे, इस पे तो ये गया, ये गया, ये तो थोड़ा सा इसी की तरह का चलेगा ये, फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। आपका आएगा 9 एंड प्लस 10, तो ये बनेगा 22, -22 ही आएगा। उसके बाद लास्ट लाइन आती है आपकी 13 बन जाएगा पावर 4, जो कि आएगा प्लस में। प्लस में आने के बाद में 2 नहीं कंसीडर करना है आपने, यहाँ पे कंसीडर करना है -3 एंड -8, -3 एंड -8 9 10 11 -11 -11, ये हो गया। अब चलते हैं 3 पे, ये खत्म हो गया बच्चों, ये खत्म हो गया बच्चा, -3 -2 माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस 2 -1 और फिर एक माइनस बाहर है, तो वो बन जाएगा +1। बहुत खेल है ये प्लस माइनस की, तो प्लीज ध्यान से आगे क्या करना है, 2 2, ये वाला 4 चलेगा, ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, 3 इंटू 3, ठीक है, -4 तो -1 और पावर 1, तो ये -1 में ही रहेगा, पावर 4। अब आगे आता है 2 3, मतलब ये 5 वाला, ये गया, ठीक है, और ये गया, ये भी चला गया, देन -1 -1 एंड -+ +2, -1 +2 +1 एंड बाहर है 5, तो -1। अब आते हैं इस पे 3 1 पे, ये गया, ये गया, -5 +5 -8, ठीक है, +5 -8 -3, तो यहाँ पे आएगा ये -3, ठीक है। अब आते हैं 3 2 पे, ये चला गया 3 2 आपका 1 का, सॉरी ये वाला, ये गया -5
और माइनस छः, माइनस ग्यारह, और पहले यहाँ से बाहर है माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस का 11। ठीक है, यही आएगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। हाँ जी ठीक है, ठीक। अब आता लास्ट का, लास्ट का आएगा तो ये बनेगा 4 एंड प्लस 3 7, तो ये प्लस का 7 ही रहेगा। अब आप मैट्रिक्स एक बना लीजिए जो कि आपके कोफैक्टर से बनी है, वो बनी है 7 माइनस 2 माइनस 11 1 1 माइनस 1 माइनस 3 11 एंड 7। ठीक है, आप इसको प्लीज़ ध्यान से करिएगा, एक दो बारी आप भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी प्लस माइनस की गलती हुई तो सारा का सारा क्वेश्चन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मैंने पहले कहा कि थोड़ी सी ध्यान ज़रूर रखना है, मैंने यहाँ पे ठीक किया था, पर मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ पे 19 लिखना था और मैंने लिख दिया 22। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 19, 19 आएगा माइनस में। हाँ यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा, बाकी आपका ठीक है। ठीक है, माइनस 19 एंड 19, एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ कोई अगर मिस्टेक या कोई भी ऐसी चीज़ रहती है तो। आगे चलते हैं फिर। अब हमने निकाल लिए हैं आपके कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालने के बाद में अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हमारे पास में कैसे निकलता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके। तो कर दीजिए ट्रांसपोज, 7 1 माइनस 3 माइनस 19 1 एंड 11 एंड माइनस 11 माइनस 1 एंड 7। ठीक है, एडजॉइंट भी आ गया, अच्छा डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए इनवर्स आपके पास में आ जाएगा, कितना आया था आपके पास में 4, तो हम लिखेंगे 1 बाय 4 और अंदर लिखेंगे सारा का सारा टर्म, 7 1 माइनस 3 माइनस 19 1 11 माइनस 11 माइनस 1 एंड 7। इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद में अगला स्टेप आपने क्या लेना है, स्टेप नंबर 4, ए इनवर्स पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है आपने यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको पुट करते हैं और बाकी का जो भी है जिसका काम हो गया उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, करिए वैल्यूज पुट। तो हमारे पास में आएगा x की जगह पे x y z इज इक्वल टू, ए इनवर्स मैंने कितना निकाला, 1 बाय 4 आपने बाहर ही रहन देना है, इसको नहीं अंदर लेके जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको बाद में भी कर सकते हैं, अगर आपको सही लगता तो आप साथ में भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। 7 माइनस 19 माइनस 11, ठीक है, 1 1 माइनस 1 माइनस 3 11 एंड 7। चलिए बी हमारे पास में था 7 माइनस 5 एंड 12, देखिए अब क्या आएगा आंसर। चलिए अब हम करेंगे बच्चों इसका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, कहिए तो यहाँ पे क्या बनेगा, 49 ठीक है माइनस 5, फिर 12 दिया 36 माइनस 36 आएगा 12। ठीक है, 12 इंटू 3 आपका 36 ही आता है। आगे देखिए 19 इंटू 7 3 और 6, हाँ जी कितना आएगा बोलिए, 133 माइनस में आएंगी, उसके बाद 1 माइनस 5 एंड 11 माइनस 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 प्लस में 132। ठीक है, कितना आएगा 132। आगे देखिए माइनस 17 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 एंड 12 इंटू 7, 7 तो 4 और 7 और 1 14 और 84। ठीक है, और साइन आएगा प्लस में, अब इसको प्लस कर लीजिए माइनस कर लीजिए फिर देखिए क्या आंसर आता है। तो हमारे पास में ये बन जाएगा, ये 41 बने आई थिंक, क्या आएगा 8, ठीक है आपके पास में आएगा ये 8 है ना, 8 के बाद में माइनस 36 तो 4 और यहाँ पे आएंगे 12। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई 4 भी बाहर है बच्चों, इसको भी साथ में लेके चलिएगा। तो x आपके पास में आएगा 4 2 ज़ा 8 एंड y आएगा 1 एंड z आएगा 3।
ठीक है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स मेथड से आपका एक्स वाई जेड आपको निकालने के लिए ज़रूर पेपर में आता है, पक्का आता है। प्लीज़ इसको देखिए, समझिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस कीजिए। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि इजी से पैटर्न में आपको समझाऊँ। और प्लीज़ स्टेप का बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्टेप वन में क्या लिखना है, स्टेप टू में क्या लिखना है, इसी चीज़ के ही आपको नंबर मिलेंगे। तो अटेम्प्टेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस इस तरीके की मिलती रहे और आपकी पढ़ाई में जो है वो आपकी हेल्प होती रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।